घाघरा थाना क्षेत्र के बुरहू गांव की रहने वाली सुप्रीति कच्छप ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम प्रतियोगिता में झारखंड को गोल्ड मेडल दिलाया। सुप्रीति की इस उपलब्धि पर जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने बताया कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जिसमें सुप्रीति कच्छप ने कई बालिका 3000 मीटर युवा दौड़ में झारखंड के लिए गोल्ड मेडल हासिल की। खेल पदाधिकारियों ने बताया कि सुप्रीति कच्छप ने 3000 मीटर की दौड़ पूरी की और सफलता हासिल की, साथ साथ पूरे झारखंड का मान भी बढ़ाया है। सुप्रीति कच्छप की मां घाघरा प्रखंड कार्यालय में एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पर कार्यरत है। इससे पूर्व 19वां फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में भी सुप्रीति कच्छप ने 3000 मीटर की दौड़ 10 मिनट 14 सेकंड में पूरा कर तीसरा स्थान प्राप्त की थी और ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। आज हम लोग सुप्रीति के गांव में आए हुए हैं उनकी मां को सम्मानित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीति 2017 लगातार मेडल जीतते आ रही हैं और उनका 3 गोल्ड मेडल हो गया है और अभी रिसेंट में वो पंचकुला हरियाणा से गोल्ड मेडल जीत के आ रही है। उसका इवेंट 3000 मीटर है और जिला प्रशासन की ओर से हम लोग हर संभव उनको मदद करने के लिए तैयार हैं और उनका घर की वस्तु स्थिति जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कमियाँ देखी हैं यहाँ पे? उनका घर पक्का नहीं है तो हम लोग के तरफ से रहेगा कि मदद करें, और रही बात उनका पहुँच पथ नहीं है घर तक, शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, और रही बात की सुप्रीति को खेल इवेंट में मदद करेंगे। देखिए क्या यहाँ किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे जो भी बच्ची बच्चियों हैं यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे खेल का अच्छा माहौल है और इस चीज़ को हम लोग और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो भी संबंधित हमारे स्कूल है वहाँ के जो प्लेग्राउंड है, क्योंकि वहीं से जो एक शुरुआत होती है खेल संबंधित, उनके अंदर जो भी एक रुचि रहता है और जो टैलेंट होता है वो वहीं से आगे बढ़ता है, तो हम लोग हर संभव मतलब कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे स्कूल है वहाँ के प्लेग्राउंड्स को डेवलप किया जाए। हमारे DSO मैडम आई हुई हैं, उनसे संपर्क करते हुए उस चीज़ को हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़ावा दें, हाँ, ताकि इस क्षेत्र से एक एक अच्छा माहौल बने खेल के लिए और लोग बढ़ चढ़ कर अपने बच्चों को खेल के प्रति जिनकी भी रुचि रहे उनको प्रोत्साहित करें। ये बताइए सुप्रीति कब से खेल में रुचि रखती है? वो तो बोल रहे हैं वहाँ ले गए ना तो वहाँ खेले वाले स्कूल है, वहाँ के मैडम है ना, वो खेले खिलवाते हैं। कहाँ? अच्छा, नौकरो डिपा में। कहीं भी खेलने जा रहे हैं तो वो लोग हार करने आते थे, जीतिए गाते थे, उसी से खेलते खेलते उसका थे हो गया। तो कब से ये गोल्ड जो मेडल है वो मेडल कब से जीतते आ रही है? 2017 से गोल्ड मेडल जीतते आ रही है और यहीं कहीं भी जा रही है वो जीतिए जा रही है। ये बताइए कब से वो गोल्ड मेडल हासिल कर रही है? दिए वो 2017 से ही जीतते आ रही है, गोल्ड मेडल कर रही है। अब तक कितने बार जीती है? 3 बार जीती है और 15 दिन में महीना दिन में भी उसको बुलाते रहते हैं खेलने के, तो वहाँ भी जाती है तो वहाँ जीती जाती है। अच्छा, वो घर आती है कि नहीं आती? घर नहीं आती है, घर उसको मैडम भेजबे नहीं करती है, अपना बेटे जैसा मानती है घर आने नहीं देती है, अभी भेज रही घर नहीं तो घर नहीं आने देती है, जितना अपना बच्चे को मानती है उतना समान बेटी समान मानती है मैडम। तो कल जब गोल्ड मेडल हासिल की है तो आप लोग कितनी खुश हैं उसे? हमको बहुत खुश है सर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।